नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सबसे अनुरोध है कि इस वीडियो को आप स्किप मत करना, क्योंकि शिल्पी राज का जो मामला है वह आप पूरी तरीके से समझ जाएंगे कि शिल्पी राज को कौन बदनाम कर रहा है, शिल्पी राज का कौन करियर खत्म करना चाहता है और शिल्पी राज किसकी वजह से प्रॉब्लम में है। दोस्तों प्लीज इस वीडियो को पूरा देखना। सबसे पहली बात कि शिल्पी राज लाइव में आती हैं, रो के अपनी तकलीफ बताती हैं। क्या तकलीफ बताती हैं? कि उनके नाम पे फेक न्यूज कुछ यूट्यूबर्स बना के अफवाह फैला रहे हैं, जैसे कि ये 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 और ये, इस टाइप की न्यूज फैला रहे हैं जिससे उनका मान सम्मान प्रतिष्ठा खराब हो रहा है, उनके करियर पे सवाल उठ रहे हैं। दोस्तों उन्होंने अपील की कि ऐसी वीडियोस ना बनाएं और ऐसी वीडियोस को डिलीट कर दिया जाए। दूसरी उन्होंने क्या अपील की कि मुझे गाना गाने अब बाहर नहीं दिया जा रहा है, मेरे खिलाफ कानूनी एक्शन लिया जा रहा है, नोटिस भेजा जा रहा है मुझे, जबकि मैंने एग्रीमेंट नहीं किया, मेरे साथ धोखा हुआ है। दूसरी बात उन्होंने ये बोली। लेकिन अब आप देखिए कैसे मुद्दा भटकाया जा रहा है। ना ही सोशल मीडिया में जो उनके खिलाफ गलत न्यूज बन रही थी उसके खिलाफ आवाज उठी, ना ही एग्रीमेंट के बारे में कोई बात कर रहा है। बात हो रही है तो बस शिल्पी राज के पति, शिल्पी राज के पति और शिल्पी राज के पति। आखिर क्यों? एक सेलिब्रिटी मानता हूं पब्लिक फिगर होता है, बट उसकी कुछ निजी लाइफ होती है। शिल्पी राज के पति हैं या नहीं हैं, शिल्पी राज की शादी हुई है या नहीं हुई है, इससे क्या मतलब है? शिल्पी राज जी अपने पति के साथ रहें या पति को छोड़ कर रहें, इसमें क्या दिक्कत है? बड़े बड़े भोजपुरी के जो स्टार हैं, जो भोजपुरी के दिग्गज कलाकार हैं, उन्होंने भी अपनी पत्नियों से तलाक लिया है। वो लोग भी अपनी पत्नियों को छोड़ के अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में रहते हैं, तो उनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठाता है। शिल्पी राज जी का दिल, वो शादी किया है या नहीं किया है, शादी सच हो झूठ हो, ये कंट्रोवर्सी करने का मतलब क्या है? ये सोशल मीडिया मुद्दा उठाने का मतलब क्या है? चलो मान लेते हैं उनकी शादी हुई है, तो उनकी मर्जी, अपने पति के साथ नहीं रह रही है, उसमें कानून एक्शन लेगा ना। वो पति पत्नी का मामला है, वो रहें या ना रहें, और इसको सोशल मीडिया में उठाना भी गलत बात है। जो भी उठा रहा है ये गलत चीज है। उनकी मर्जी है, अपने पति के साथ रहें या ना रहें, वो शादीशुदा रहें कुंवारी रहें, वो उनका मतलब है। मुद्दा ये है कि उनके खिलाफ जो गलत न्यूज़ें बन रही हैं वो नहीं बननी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको भी स्टार्टिंग बताया किससे उनको आपत्ति थी। मुद्दा ये है कि एग्रीमेंट कहा जा रहा है पटेल फिल्म्स की तरफ से कि एग्रीमेंट 5 साल का हुआ है, वो कह रही मुझसे धोखे से हुआ है, तो ये मुद्दा है। तो मुद्दे पे रहिए, ना कि बच्चे पे जाइए, पति पे जाइए, वहाँ पे जाइए, यहाँ पे जाइए और 50 लोग आके बीच में अपनी रोटियाँ सेक रहे हैं। यह चीज़ बहुत ही ज़्यादा गलत है, ऐसी खबरें नहीं बननी चाहिए। मेरा मानना है शिल्पी राज जी लाइव में आके रोया उन्होंने और उन्होंने हेल्प मांगी जिस चीज़ के लिए, उसमें बात होनी चाहिए। अब कहीं से पति की कंट्रोवर्सी आ जाती है। अरे मान लिया जाए कि आप पति हो, तो क्या हो गया? पति हो तो आपके साथ वो नहीं रहना चाहती, कुछ आपके मतभेद होंगे, कुछ आपका रीजन होगा, तो आप घर में शॉर्ट आउट करोगे, सोशल मीडिया पे आके बोलोगे आप? यह चीज उचित नहीं है। अगर आप शिल्पी राज जी का भला चाहते हो, उनको आगे ले जाना चाहते हो, जैसा कि मैं भी सुन रहा हूँ कि वो आगे बढ़ाने में उनका हाथ था, तो ठीक है, आगे बढ़ाने में हाथ था, आपने ही आगे बढ़ाया, तो क्या अब आप सोशल मीडिया में आके उनकी इंसल्ट करना चाहते हैं, उन्हें नीचे दबाना चाहते हैं? यह उचित नहीं है। आप लोग बताइए आप क्या सोचते हैं। मेरी राय नहीं है, आपकी राय है, क्योंकि आप ही जनता जनार्दन है। मुद्दा जो है वहां से भटकने की कोशिश कुछ लोग करा रहे हैं कि भटक जाए मुद्दा, चीजें निगेटिव हो जाए, जो पॉजिटिव वो निगेटिव हो जाए, दूसरे दूसरे के नाम जोड़े जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप क्या सोचते हैं जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताएं।